नमस्ते, आज हम सब प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी और तेलुगु में। प्रोनाउंस का उपयोग नाउंस के बजाय किया जाता है। आप प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से जानते होंगे। यहाँ तीन व्यक्ति हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं। इसी तरह तेलुगु में भी तीन प्रकार के व्यक्ति के लिए प्रोनाउंस हैं, लेकिन मुख्य अंतर यह है कि हिंदी में थर्ड पर्सन प्लूरल को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के लिए एक ही शब्द है, जबकि यह तेलुगु में सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। निम्नलिखित प्रोनाउंस हिंदी और तेलुगु में हैं। मैं मतलब नेनू, यह सिंगुलर है। हम मतलब मेमू, यह प्लूरल है। तू और तुम मतलब नीवू और नुव्वू, यह सिंगुलर है। आप मतलब मीरू, यह प्लूरल है। वह मतलब अतड़ू और आयना और वाडू और वीडू, यह सब सिंगुलर हैं पुरुष व्यक्ति के लिए। वह मतलब आमी और आविडा और अदि और इदि, यह सब सिंगुलर हैं महिला व्यक्ति के लिए। यह मतलब अदि और इदि, यह वस्तु या चीज के लिए उपयोग किया जाता है। वे मतलब वारु और वीरु और इवि और अवि, यह सब प्लूरल हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द के उपयोग के लिए विवरण दिया गया है। मैं मतलब नेनू, इसका उपयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के रूप में किया जाता है दोनों महिला और पुरुष के लिए। हम मतलब मेमू, इसका उपयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल के रूप में किया जाता है। अपन मतलब मनमू, इसका उपयोग भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल के रूप में किया जाता है। तू और तुम, नीवू और नुव्वू, इसका उपयोग सेकंड पर्सन सिंगुलर के रूप में किया जाता है, लेकिन नुव्वू का प्रयोग बोलचाल की भाषा में अधिक किया जाता है और नीवू का प्रयोग पुस्तकों की भाषाओं में अधिक किया जाता है। आप मतलब मीरू, इसका उपयोग सेकंड पर्सन प्लूरल के रूप में किया जाता है। वह मतलब अतड़ू, इसका उपयोग लिखित भाषा में किया जाता है। वह मतलब आयना, इसका उपयोग अपनों से बड़ों, किसी पुरुष व्यक्ति के प्रति सम्मान के लिए किया जाता है। वह और यह मतलब वाडू और वीडू, इसका उपयोग अपनों से छोटों के प्रति किया जाता है। वाडू का उपयोग उस पुरुष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपसे दूर हो। वीडू का उपयोग उस पुरुष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपके पास हो। वह मतलब आमे, इसका उपयोग लिखित भाषा में अधिक किया जाता है। वह मतलब आविडा, इसका उपयोग अपनों से बड़ों, किसी महिला व्यक्ति के प्रति सम्मान के लिए किया जाता है। वह और यह मतलब अदि और इदि, इसका उपयोग अपने से छोटों, किसी महिला व्यक्ति के लिए किया जाता है। अदि का उपयोग उस महिला व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपसे दूर है। इदि का उपयोग उस महिला व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपके पास है। वह और यह मतलब अदि और इदि, इसका उपयोग किसी वस्तु या चीज के लिए भी किया जाता है। वे और ये मतलब वारु और वीरु, इसका उपयोग थर्ड पर्सन प्लूरल के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग दोनों महिला और पुरुष के लिए किया जाता है। वारु, इसका उपयोग उस महिला और पुरुष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपसे दूर हों। वीरु, इसका उपयोग उस महिला और पुरुष व्यक्ति के लिए किया जाता है जो आपके पास हों। ऐसे ही अवि और इवि का उपयोग किसी वस्तु या चीजों के लिए भी किया जाता है।